बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम STA 100 की GDB नंबर 1 का सलूशन देखेंगे। तो बढ़ते हैं GDB की तरफ। GDB का क्वेश्चन देखें क्या कहता है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 18x + 45 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। तो हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई ऐसी वीडियोज़ पहले से पहले मिल सकें। थैंक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको क्या करना हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड तजी के तरीक़ाकार से हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो तजी कैसे होती है ये देखें। x² - 18x + 45 = 0 दो कम्बिनेशन होते हैं। यहाँ पे देखें, इसको ये जो आउटर साइड वाले हैं 45 और x², इनको आपस में ज़रब करें तो क्या आएगा, 45x², ऐसे आएगा ना, 45x² और अगर कोई ऐसा हमने जोड़ा निकालना है, कम्बिनेशन निकालना है जो ज़रब करें तो वो आएगा 45x² है, और उनको अगर जमा किया जाए तो -18x है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये बैर वाले जो हैं दोनों आउटर x² ज़रब 45x², अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है, 45x², और उन दोनों जोड़ों को ऐड किया जाए तो क्या बने, -18x। ऐसा हमने कोई कम्बिनेशन लेना है। तो देखें x² वैसे के वैसे, 18x को हम क्या बना सकते हैं, -3x - 15x, और 45 वैसे का वैसे। अब हमने क्या जोड़ा बनाया है, -3x - 15x। तो देखें इन दोनों को ज़रब करें, -3x और -15x, -15x + 45x और x² भाई बैर वाला आउटर जोड़ा बन गया 45x². ठीक है, ये हमने बनाना था, फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड क्या कंडीशन थी, उनको ऐड किया जाए तो -18x बने। तो -3x और -15x दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 3x और 15x 18x आ जाएगा भाई, माइनस के 18x भी बन रहे हैं। ये हमारे दोनों कंडीशन जो थी अब ट्रू हुई, तो आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से x कॉमन लें तो x अंदर आ गया, एक बार किया -3 अंदर आ गया और x बाहर कॉमन आ गया। यहाँ से हमने क्या जोड़ा बनाना है, अब x - 3 बनाना है इधर भी। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। -15 कॉमन लें तो x अंदर रह जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि -, -, प्लस। ठीक है, 45 को किस से ज़रब दें तो, सॉरी 15 को किस से ज़रब दें तो 45 बनेगा, -3 से। ठीक है, -, -, प्लस 3, 15, 45, इस तरह ये बन गया x-3। अब क्या करते हैं, x-3 में से एक ले लेना है और x और ये माइनस आपस में मिला देने, x-15 और x-3। तो अब क्या करेंगे, x-15 = 0, एक दफ़ा इसको 0 के बराबर रखेंगे और दूसरी दफ़ा x-3 को 0 के बराबर रखेंगे, x-15 = 0, x-3 = 0। तो एक दफ़ा x = आ जाएगा 15, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक दफ़ा x = आ जाएगा 3, एक दफ़ा x की कीमत कितनी आ जाएगी, 3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपकी GDB का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। मेन मकसद जो होता है वो सिर्फ आपको सॉल्व करके नहीं देना होता बल्कि उसको समझाना होता है ताकि आपको अगले फाइनल और मिड टर्म में आसानी पैदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।